हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 चल रहा है। इसी में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए के बारे में बताया था मैंने। उसमें से डीएनए का चल रहा है, आरएनए के बारे में बताया था आपको। डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बता चुका हूँ कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए में एक प्रमुख गुण यह होता है कि वो अपने समान प्रतिलिपि बना सकता है। यह अन्य किसी पदार्थ में उतना उपयुक्त तरीके से नहीं हो सकता है जैसा कि डीएनए में होता है, और इसलिए डीएनए एक सबसे उपयुक्त, सबसे उचित अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। यह डीएनए अपने समान डीएनए निर्माण कर लेता है, इस बात को कहते हैं डीएनए का प्रतिलिपिकरण। यानी एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है, इसको कहते हैं डीएनए का प्रतिलिपिकरण। अब यह कैसे होता है, तो देखें, डीएनए अपने समान प्रतिलिपि बनाता है, इसको डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कई एंजाइम भाग लेते हैं, यह एक लंबी प्रक्रिया है। और होती कब है, जिस समय कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय एक इंटरफेज अवस्था आती है। और उस इंटरफेज अवस्था में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन होता है, तो उस कोशिका विभाजन में एक इंटरफेज अवस्था है, इंटरफेज। और इस इंटरफेज अवस्था में और दूसरा होता है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज अवस्था में क्या होता है कि इसमें G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज होता है। G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है और तब M फेज होता है। कुल मिलाकर के ये कोशिका चक्र होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तो इसमें दो अवस्थाएं आती हैं। एक का पहली अवस्था है इंटरफेज, दूसरी है माइटोटिक फेज। तो ये माइटोटिक फेज है और ये तीनों G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज, ये इंटरफेज के अंतर्गत आती है। इंटरफेज का मतलब ये है कि इस अवस्था में कोशिका तैयार होती है कोशिका विभाजन के लिए। तो इस कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो सबसे प्रमुख चीज इसमें क्या है कि जो S फेज होता है, यानी सिंथेसिस फेज है, S मीन्स सिंथेसिस फेज, संश्लेषण फेज। तो जो S फेज है, संश्लेषण फेज है, इसमें डीएनए की मात्रा दो गुनी हो जाती है। तो डीएनए की मात्रा दो गुनी हो जाती है, तो जो कैसे हो जाती है, इसी डीएनए के प्रतिलिपिकरण के द्वारा हो जाती है। और जब डीएनए की मात्रा दो गुनी हो जाएगी, तो कोशिका तैयार हो जाएगी सेल डिवीजन के लिए। तो कैसे डीएनए का प्रतिलिपिकरण होगा, दोगुनी होगी इस संश्लेषण अवस्था में, तो आप देखें इसके लिए इतने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये एंजाइम है जो आवश्यक है डीएनए के प्रतिलिपिकरण में। पहला है डीएनए पॉलीमरेज, यह डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक है। यही मुख्य एंजाइम है जो डीएनए का निर्माण करता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण करता है। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज, या आरएनए पॉलीमरेज भी एक एंजाइम है जो आरएनए का निर्माण करता है। चूंकि यहाँ पर आरएनए का छोटा खंड चाहिए, देखिए इसको आरएनए प्राइमर कहते हैं, यह छोटा सा आरएनए का खंड चाहिए। यही छोटा सा खंड जब बनेगा, आरएनए प्राइमर कहते हैं, तभी डीएनए का निर्माण होगा। तीसरा एंजाइम है टोपोइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आप जानते हैं कि डीएनए जो दो सूत्र जो होते हैं, ये दोनों सूत्र एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये डीएनए है जिसके दोनों सूत्र आपस में लिपटे हुए हैं। इन दोनों सूत्रों को अलग करना होता है, तो अलग करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम आता है। लेकिन जब दोनों सूत्र अलग होंगे, तो वो अस्थिर होने लगते हैं, तो उनको स्थिर करने के लिए ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन है SSB प्रोटीन, यह दोनों सूत्रों से जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ जाएगा दोनों सूत्रों से, यहाँ पर मान लीजिए जुड़ गया ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB जुड़ गया, तो क्या होगा, ये सूत्र स्थिर हो जाएंगे, इनमें स्थिरता हो जाएगी। और एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज। यह डीएनए लाइगेज क्या करता है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो दोनों टुकड़े बने हैं इस पर, इस स्टैंड पर, जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी सूत्र, इन छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को
ओका जाकि सूत्र कहते हैं, इनको जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज करता है। होता क्या है पूरी प्रक्रिया को, तो पूरी प्रक्रिया को ये जो क्रीक नामक वैज्ञानिक है उन्होंने एक मॉडल दिया, क्रीक, उन्होंने क्या मॉडल दिया, ट्यूनिंग फोर्क मॉडल दिया, छुरी कांटा सिद्धांत दिया उन्होंने। छुरी कांटा सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि जब डीएनए की प्रक्रिया एक डीएनए से दो डीएनए बनने का कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले जो ये जो क्या है टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज आकर के इससे जुड़ जाते हैं, टोपोआइसोमरेज नामक एंजाइम आकर के इससे जुड़ जाते हैं। अब ये टोपोआइसोमरेज करेगा क्या, इन डीएनए के जो बीच में बॉन्ड है मान को काटेगा, छुरी का कार्य करेगा, और छुरी का कार्य करेगा तो ये डीएनए दो डीएनए के बीच में जो बॉन्ड है कटेंगे तो दोनों सूत्र अलग होने लगेंगे, अनकॉइल्ड होने लगेंगे, कुंडलित रहते हैं दूसरे से चिपके हुए, कुंडलित होते हैं और कुंडलित होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। जब ये अलग होने लगते हैं तो अब होता क्या है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों सूत्रों से जुड़ जाता है और उन दोनों सूत्रों को स्थिर बनाए रखता है, यानी उसको टूटने से बचाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए प्राइमर है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ करके आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। आरएनए के छोटे टुकड़े को आरएनए प्राइमर कहते हैं, जिसका निर्माण कौन करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज करता है, ये करता है आरएनए पॉलीमरेज। और ये छोटे टुकड़े का जब निर्माण कर देगा तो ये छोटा टुकड़ा आरएनए प्राइमर शुरुआत करता है डीएनए का निर्माण करने का, डीएनए सूत्र का निर्माण करने का। अब आप देखेंगे तो ये जो दोनों, ये जो देखने में जैसा लगता है ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क माने जैसा लगता है कांटा, छुरी कांटा जैसा, ये इस तरह चिमटा जैसा लगता है, इसलिए इसको ट्यूनिंग फोर्क मॉडल कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जब आरएनए प्राइमर, अब इसमें दो सूत्र बन गए, एक सूत्र ये बना, एक सूत्र ये बना डीएनए का, इस दोनों सूत्रों को टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। टेम्पलेट डीएनए मतलब वह डीएनए का सूत्र जिस पर नए डीएनए बनते हैं, नए डीएनए का सूत्र बनते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो नए डीएनए का निर्माण हो रहा है सूत्र का, वह हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होता है, ये इधर 5 है और इधर 3 है, तो ये 5-3 इधर से इधर डीएनए का निर्माण हो रहा है। इसमें भी देखेंगे आप, ऊपर 5 है नीचे 3 है, इसमें भी 5-3 डायरेक्शन में निर्माण हो रहा है। अब ये जो 5-3 डायरेक्शन में निर्माण हो रहा है डीएनए का, तो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5-3 डायरेक्शन में काम करता है। दूसरी चीज कि इस पर आप देख रहे हैं, इस सूत्र पर, कि इस पर ये लगातार डीएनए का निर्माण कर रहा है, इस पर आप देख रहे हैं डीएनए का टुकड़ों में निर्माण कर रहा है, तो जिस डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए लगातार बनता है, टुकड़ों में नहीं बनता है, उसको कहते हैं लीडिंग अगुआ सूत्र, लीडिंग स्ट्रैंड अगुआ सूत्र। और जिस डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए का निर्माण टुकड़ों में हो रहा है उस डीएनए टेम्पलेट को कहते हैं पिछुआ सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर टुकड़े में डीएनए बन रहा है, अब ये जो टुकड़े में डीएनए बनेंगे इन टुकड़ों को क्या कहेंगे, ओकाजाकी सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने खोज किया इसलिए इसको ओकाजाकी सूत्र कहते हैं। अब ये जो डीएनए बनेंगे टुकड़ों में, फिर ये जुड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम है, यह डीएनए लाइगेज एंजाइम इस ओकाजाकी सूत्र के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करेगा। तो आप देखें तो एक डीएनए के सूत्र पर ये सतत कंटिन्यूअस नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, और एक मिनट टुकड़े पर, टुकड़े मैंने असत रुक रुक करके, तो एक को कहते हैं हम सतत निर्माण हो रहा है, दूसरे को कहते हैं असत निर्माण हो रहा है, असत माने टुकड़े में हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि डीएनए का निर्माण अर्ध असतत हो, अर्ध सतत होता है, अर्ध सतत माने एक पर लगातार होता है, एक पर टुकड़े में होता है। अब सब मिलाकर के आप देखें तो क्या स्थिति बनती है, विशेषता क्या है, तो डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी होता है, यानी जो दो डीएनए बनते हैं एक डीएनए में पुराना डीएनए का एक सूत्र रहेगा, दूसरा नया बनेगा वो नया रहेगा, इसमें भी पुराना डीएनए का सूत्र रहेगा, नया बनेगा वो नया सूत्र रहेगा, इसको कहते हैं अर्धसंरक्षित होता है।
दूसरा देखिए डीएनए का प्रतिलिपिकरण द्विदिशात्मक होता है, बाईडायरेक्शनल होता है। बाईडायरेक्शनल का मतलब एक का देखें इस 5-3 इस दिशा में है, ऊपर वाले इसमें देखें तो 5-3 ऊपर से नीचे की तरफ है, इसे कहते हैं द्विदिशात्मक होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसतत होता है, अर्धसतत का मतलब एक में सतत होता है कंटिन्यूअस, एक में टुकड़े में होता है डिसकंटिन्यूअस, इसको कहते हैं अर्धसतत। डीएनए का प्रतिलिपिकरण 5-3 दिशा में होता है, देखें यहां भी 5-3 दिशा में है, यहां भी 5-3 दिशा में है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण हर जगह नहीं शुरू होता है, एक इस डीएनए के किसी विशेष बिंदु पर शुरू होता है जिसको प्रारंभन बिंदु कहते हैं, वहां से शुरू होता है। और इस पूरे क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, और वह ऊर्जा जो डीआरसी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उस डीआरसी राइबोन्यूक्लियोटाइड के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए जो बनता है उसका ट्यूनिफॉर्म मॉडल क्रिक ने दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या घटनाएं होती हैं आपको मैंने बताया। धन्यवाद।